नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टीम यूपीएससी एस एग्जाम यानी कि तपस्वी में मैं पराग सोहली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स के बारे में, जहाँ दोस्तों 13 मई से हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो उसमें अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो 13 मई से पहले आपको अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी भेजनी है, जहाँ पर आपको ऊपर दिखाए गए सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब सीधे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमारा कुछ पहला फ्लैग जो था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ्लैग था वो अगस्त 1906 में वो एक्सेप्ट किया गया था और सूर्यनाथ बैनर्जी ने कोलकाता में सबसे पहले इसको लहराया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए सूर्यनाथ बैनर्जी ने। और इसमें खास याद रखने वाली बात यह है कि जो ऊपर का जो कलर है उसमें 8 कमल के फूल थे और नीचे का जो लाइन है वहां पर एक चंद्रमा और एक सूरज का चिन्ह दिया गया था और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। अच्छा दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखता था हमारा दूसरा राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो एक साल बाद मैडम कामा ने 1907 में जो था वो लहराया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ लहराया था, तो पेरिस में, कैपिटल ऑफ फ्रांस जो है वहां पर लहराया था। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऊपर का जो लाइन है और कलर भी चेंज हो गया था। आप देखिए कि आप जो सबसे पहला झंडा था वहां पर हरा रंग जो था वो ऊपर था और यहाँ पर नीचे आ गया, और ऊपर 7 स्टार थे और उसके साथ एक फ्लावर, एक फूल की निशानी दी गई थी, और नीचे एक सूरज के साथ एक चंद्रमा और एक तारा भी दिया गया था, और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं हमारे तीसरे झंडे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो थर्ड फ्लैग है कुछ इस तरह से दिखाई देता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ्लैग था वो 10 साल बाद उसे चेंज किया गया 1917 में, जबकि उस टाइम पे होम रूल मूवमेंट जो था वो चल रहा था। और उसमें याद रखने वाली बात ये है दोस्तों कि इसमें 5 रेड लाइंस है और 4 जो है वो ग्रीन लाइंस रखी गई थी, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक यूनियन जैक जो था वो रखा गया था, और उसी के राइट साइड में एक चंद्रमा और एक स्टार भी रखा गया था, और नीचे 7 तरफों इस तरह से सजाया गया था कि वो एक सप्तऋषि बनते थे। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं हमारे चौथे झंडे के ऊपर। ये तो हमारा झंडा था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। जी हाँ दोस्तों, ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और नीचे लाल रंग, और साथ में एक चरखे का निशान। जी हाँ दोस्तों, ये जो था वो 1921 में महात्मा गांधी ने उसे लहराया था, उसके 10 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, हमारा कुछ झंडा था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। 1931 में सेम गांधी जी ने इसी तरह का जो था एक झंडा लहराया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कलर रखा गया था जिसे भगवा कलर या फिर केसरिया कलर कहा जाता था। उसमें ऊपर की तरफ एक चरखा दिखाया गया था। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट झंडे के बारे में। ये जो हमारा झंडा था वो कुछ इस प्रकार का था, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट झंडा है। ये जो था वो अगस्त 1931 में सेम साल में, लेकिन अगस्त 1931 में महात्मा गांधी ने ये वापिस बनाया था, जिसमें ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग दिखाया गया था। और खास जो बात इसमें थी वो ये थी कि यहाँ पर एक जो था चरखे को रखा गया था, चरखे को इंपॉर्टेंस दी गई थी। और दोस्तों बात करते हैं लास्ट झंडे के बारे में। ये जो हमारा आज का झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, और इसमें सेम कलर रखे गए थे, लेकिन बीच में से जो था वो चरखा निकाल कर यहाँ पर रखा गया था, अशोक चक्र। जी हाँ दोस्तों, और ये जो था वो पिंगली वेंकैया नामक एक व्यक्ति ने उसे बनाया था। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा वो इसे बताना ना भूले, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे। थैंक यू। जय हिंद।